इंटरनेशनल बिजनेस, पिछले 22 साल से प्रोफेशनली आई वर्कड इन इंडिया और विश्व में हर कंट्री में जाकर काम किया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वुमेन एम्पावरमेंट को, ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल इश्यूज को वी शुड हाईलाइट दीज इश्यूज। तो आई रिजाइन फ्रॉम टाटाज इन 2019। वी हैव स्टार्टेड दिस वेंचर्स क्रीवा एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आई हैव प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट 6-7 मूवीज एंड रेस्ट 15 मूवीज आर इन पाइपलाइन विच आर रिलेटेड टू द सोशल कॉजेज। एंड आवर मेन मोटिव ऑफ दिस वेंचर इज ओनली टू गिव यू नो होलिस्टिक लाइफ टू द वर्ल्ड। दैट्स द रीजन। ये 2016 में पहले ये रिलीज हो चुकी, तो अब इसे आज के दिन एड्स दिवस के दिन रिलीज करने का क्या मकसद आपका? 2016 में से लेके आज तक मूवी को बहुत सराहना मिला और हर कोई उस मूवी को देखना चाह रहा था। तो हमने सोचा कि हम स्क्रीवायर में, क्योंकि हमारा कॉज ही सोशल कॉज है, स्क्रीवायर एंटरटेनमेंट का जो खोलने का रीज़न ही यही था कि हम सोशल कॉजेज को हाईलाइट करें, सो दैट जितने भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं और हेल्दी माइंड लोगों को हम दे पाए। इस मूवी में क्या दिखाने की कोशिश की है? इट्स एड अवेयरनेस, एड्स जो कि आज की डेट में मोर देन 1 लाख लोगों को इंडिया में एड्स हो रहा है, अभी भी आज भी चल रहा है, और एक बहुत बड़ी कुरीति है जो कि पूरे समाज से दूर होनी चाहिए और हम उसी तरफ कार्यरत हैं। आने वाले दिनों में और अच्छे कोई प्रोजेक्ट? मेरी मजधार वी आर लॉन्चिंग, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। मूवी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं सच में मूवी नहीं देखती, जब मैंने इसका देखा तो वो बिल्कुल दिल से छूने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो बेसिकली हम गांव देहात में, आज भी हम इतना आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो गांव देहात में वो वहीं की वहीं चीज़ें हैं जो इसमें दर्शाया गया है, वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल महिलाओं के ऊपर बिल्कुल जो होना चाहिए, जो हो रहा है और जो होता आ रहा है आज भी, वो हो रहा है जो इसमें दर्शाया गया है। मतलब बहुत अच्छी मूवी है और अगर इसे देखेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगी, शायद लोगों की धारणा चेंज हो जाए उस मूवी को देख कर के, एक महिला अगर खूबसूरत है गांव में और गरीब है और उसका लोग कैसे शोषण करते हैं, तो एक मतलब अगर इंसानियत है, अगर शायद इसमें से, अगर मैं कहती हूँ जियो मूवी वापस से रिलीज़ आप लोग कर रहे हैं और लोगों को ये बताने के लिए, ये बहुत अच्छा सोच और बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन्होंने जब नहीं सोचा शायद अब सोच ले। 2017 में लोग शायद भूल गए हों, ना देखा हो, मगर मैं ये कहूँगी इस मूवी की ज़रूर देखिए जो गाँव की महिलाओं के साथ हो रहा है। और इवन मैंने अभी एक केस किया भी है, बिलासपुर का केस था, अभी मैंने वो किया है केस। मतलब बहुत तकलीफ होती है जब महिलाओं को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। सो मैं तो ये कहूँगी कि सभी लोग जो गांव देहात में रहते हैं, प्लीज़ आप लोग इस मूवी को देखिए और कुछ अपनी विचारधाराएं चेंज कीजिए। महिला बेटी भी होती है, माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, वो हर रूप में होती है, मगर वो धरती माँ ही समझ के आप कीजिए। वाइफ है ठीक है, उसके दायरे अपनी जगह है, माँ के अपने सम्मान है, बहन का अपना सम्मान है, लेकिन किसी एक महिला की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया जाए। मैं तो ये कहूँगी और सबसे निवेदन करूँगी कि इस मूवी को देखें और कुछ सीखें, और उससे जो सीख मिलेगी ना, शायद बहुत कुछ सीख जाओगे आप लोग। सभी से मेरा निवेदन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई मर्द है जो हर किसी महिला को बेइज्जत करता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ जो हैं वो थोड़ा सा सुधर जाओ और अपना अंजाम इस मूवी में देख लो क्या होता है। मतलब मैं आपसे उनके बारे में क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, जो मैंने अभी उनकी बहुत सी चीज़ें देखी हैं और सुनी हैं, तो मुझे मतलब बहुत प्राउड फील हुआ। इतने सिंपल बंदे, हाई एजुकेटेड क्वालिफाइड इंजीनियर, जिनकी सोच इतनी अच्छी है कि मतलब मैं इतना काम करती हूँ, मुझे अपने आप को लग रहा कि मैंने शायद अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। जब मैंने उनका अभी एक 5 मिनट मेरे उनकी बात हुई है, उनकी सोच इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ अगर इसमें से हर एरिया में एक बंदा हो जाए ना, तो शायद बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाए। थैंक यू। मैं चंद्रपाल जी के साथ एक फिल्म कर चुका हूँ, लकीर का फ़कीर, जो दुनिया भर में लोगों ने बहुत पसंद की, बहुत तारीफ हुई थी इस फिल्म की।
और चंद्रपाल जी क्रिएटिव बहुत अच्छा सोचते और सबसे बड़ी बात देश के प्रति सोचते हो और ताकि मुझे क्या ऐसा मैसेज मिले जो समाज में लोग सीख सके। और लकीर के फकीर के बाद ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था और बोले यार मेरा ऐसा है कि मैं कुछ एक मैसेज एक संदेश दूँ। तो बहुत कम ऐसे प्रोड्यूसर होते जो समाज को एक अच्छा प्रोजेक्ट देते। तरुण जी के साथ अगर मौका मिले आपको तो काम करना चाहेंगे? मैं आया इसलिए कि मैं मौका दे तरुण जी और डेफिनेटली देंगे क्योंकि बड़े उनका स्वभाव बहुत प्यारा है, हंसमुख चेहरा है, हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और वो जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर जा रहे हैं और मुझे अच्छा लगे। खुश रहो, खुश रखो, बस यही कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी बातें कहना चाहूँगा। ये फिल्म हमारे डायरेक्टर के पास में कहानी के रूप में 2004-05 से थी लेकिन वो घूमते रहे, फिर हमें मिली है 2009 में स्क्रीन प्ले डायलॉग्स करने के लिए। स्क्रिप्ट होने के बाद भी वो घूमते रहे लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ऐसे हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट को हाथ लगाने से अच्छे खासे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी घबराते हैं। तो मैं फिर से बधाई दूंगा चंद्रपाल जी को और स्क्रीनवायर एंटरटेनमेंट तरुण आनंद जी को जो एक बार रिलीज होने के बाद इस फिल्म को वापस लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में एक दो विषय नहीं है, समाज के बहुत सारे अनछुए पहलुओं के बारे में फिल्म बात करती है, चाहे वो बेमेल विवाह हो उसके बारे में बात करती है, चाहे वो गरीब मजदूरों का कैसे शोषण किया जाता है उनकी पगार न देकर, चाहे वो महिलाओं के प्रति किस तरह की सामंतिक प्रवृत्ति सोच वाले लोग बात करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे उनका शारीरिक लेके मानसिक शोषण तक करते हैं। उसके अलावा जो एड्स जैसी एक भयंकर बीमारी जिसकी चपेट में अनजाने में ना चाहते हुए भी लोग अनभिज्ञता के कारण या जागरूकता की कमी के कारण लोग आ जाते हैं और लगभग 65 लाख के आसपास का आंकड़ा है जो हर साल हमारे देश में इस भयंकर बीमारी से या तो कुछ मर जाते हैं या फिर ग्रस्त हो जाते हैं, तो उनका जीना मरना एक ही जैसा हो जाता है, यहाँ तक कि लोग छुआछूत जैसा व्यवहार उनके साथ करने लगते हैं, जीवन का सुख नहीं भोग सकते। लेकिन कारण इसके पीछे सिर्फ इतना है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा स्क्रीन वायर एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को, तरुण आनंद जी को, चंद्रपाल जी को और उनकी पूरी की पूरी टीम को जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। इस बड़े कॉज के लिए उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आई वुड लाइक टू गुड लक ऑल ऑफ देम। सबसे पहले हमारे तरुण आनंद साहब जी को बहुत बहुत इस जो स्क्रीनिंग हो रही है स्क्रीन राइट एंटरटेनमेंट तो उसकी शुभकामनाएं हम चाहते हैं ये और बढ़कर हो। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्केल पर एक चीज़ बनी है और आगे भी जाकर इनका और बड़ा बड़ा काम हो स्क्रीन राइट एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन पर। शुभकामनाएं देता हूँ, बस इतना है, मैं खुश रहो आबाद। तरुण जी ने जो कॉन्सेप्ट लिया है इट्स वंडरफुल कॉन्सेप्ट, इससे इंडिया का भविष्य जो है बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे। सो तरुण जी ने जो ये सब्जेक्ट उठाया है और हर देश में हर शहर में अगर ये ऐसे सब्जेक्ट उठाए जाएं तो इंडिया इज गोइंग टू शाइन। सो आई वुड जस्ट से ऑल थैंक्स टू तरुण जी, 3 cheers फॉर हिम, हिप हुरे फॉर तरुण जी, थैंक यू सो मच। तो फिल्म अच्छी फिल्म कहीं ना कहीं स्टोरी से ही मालूम पड़ जाता है कि अच्छी फिल्म ये बनाने लायक है और स्टोरी से ही पता चल जाता है कि इस पर काम करना चाहिए या नहीं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैं जो सिनेमाटोग्राफर रहा है तो स्क्रीन प्ले पे मुझे पकड़ है और कहानी जिस हिसाब से कहानी है और जिस हिसाब से इसका सारे पात्र गढ़े गए हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे इस कहानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और उसी हिसाब से स्क्रीन प्ले बना के हमने इस कहानी को आगे बढ़ाया है।
और 2016 में कोई और कंपनी और 2022 कोई और किसका रीजन क्या है? 2016 में फिल्म रिलीज हो चुकी है और 2016 में भारत सरकार इसको टैक्स फ्री भी किया है और इस फिल्म को 2016 में सराही भी गई थी, क्योंकि अच्छी फिल्म समाज देखना चाहता है, अच्छी फिल्म समाज देखना चाहता है और हमारा काम है फिल्म अच्छी बनाना। अब समाज देखता है कि नहीं, स्टार को देखने जाता है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हम ऑडियंस और कंज्यूमर के ऊपर छोड़ते हैं। अच्छा सिनेमा बनाना हमारा काम है, क्योंकि अच्छे सिनेमा तो बना देते हैं लेकिन अच्छा स्टार नहीं है या बड़े स्टार नहीं है, बड़े स्टारडम नहीं है, इस वजह से हम सिनेमा हॉल में या फर्स्ट प्रोड्यूसर बोलिए आप या नया प्रोड्यूसर बोलिए आप, उस वजह से कहीं ना कहीं हम माइनस और प्लस हो जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद जो है अच्छा सिनेमा बनाना था, हमने अच्छा सिनेमा बनाया, जो आज आप लोगों के सामने वो सिनेमा उसी तरीके से सामने आ रहा है कि अच्छा सिनेमा कभी रुक नहीं सकता है। सिनेमा हॉल स्क्रीन दे या ना दे, सिनेमा हॉल स्क्रीन दे या ना दे, लेकिन सिनेमा अगर अच्छा बना रहेगा तो कभी रुक नहीं पाएगा हमारे आवाम और जनता के पास पहुंचने से। जनता वो है जो अच्छे सिनेमा को कभी नकारती नहीं है और आज इस फिल्म को जनता ने 84 मार्क दिया है, 84% दिया, IMDb का रेटिंग भी अच्छा है और मैं कंज्यूमर को थैंक्स बोलता हूँ और मैं कंज्यूमर को ही थैंक्स बोलूंगा क्योंकि इस सिनेमा को मेरे कंज्यूमर ने ही वो रेटिंग दिया है, ना कि सिनेमा हॉल ने, ना कि किसी बड़े स्टार ने, ना कि बड़े किसी स्टारडम ने। जी आज आज बहुत गर्व की बात है और पर्व की बात है और त्योहार भी है, एड्स वर्ल्ड डे, जो आज एड्स वर्ल्ड डे पे स्क्रीन वार एंटरटेनमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है इस फिल्म को, स्क्रीन वार ने बड़ा कदम उठाया है इस फिल्म को रीलॉन्च करने के लिए और देश दुनिया में इस ऐसे सब्जेक्ट को लेके गांव-गांव तक लेके जाना चाह रहा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कंसेप्ट के ऊपर आज एक कंपनी सामने आई है कि इस तरीके का कंटेंट हम देश दुनिया में बाहर लेके जाएंगे। हाय, आई एम निशि भारद्वाज, मैं एक मॉडल हूँ और एक्टर हूँ और मैं मिस साउथ इंडिया भी बन चुकी हूँ और ये मूवी को देखते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है महिलाओं के लिए वर्ल्ड एड्स डे पे और ऐसी मूवीज और आने वाली है तो स्टे ट्यून्ड। हाय, मेरा नाम प्रतीक है, मैं एक एक्टर और एक मॉडल और मूवी जैसे लिखी गई है, एक डायरेक्शन बहुत प्यारी हुई है और ये बहुत कदम बहुत अच्छा उठाया गया है इस मूवी को लेकर और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बहुत सारी ऐसे अपना स्क्रीन प्ले उठाएंगे और स्टोरीज उठाएंगे इस डे को लेकर, तो बहुत अच्छा लगा मुझे मूवी देखकर। एक तरह से हार्दिक बधाई देता हूँ भोरी फिल्म के लिए, एक वर्ल्ड एड्स डे पर इनका एक बहुत अच्छा कदम है और इस तरह की फिल्में समाज को जागरूक तो करती है, साथ साथ कहीं ना कहीं जो सिनेमा को पसंद करते हैं उनको ये बात से भी अवगत कराती है कि इस तरह की सिनेमा से हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसको सोसाइटी एक टैबू समझती है, उनसे हमें फाइट करना चाहिए। तो एक बार फिर से सारे इस प्रोडक्शन हाउस के जुड़े हुए सारे व्यक्तियों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हजार बार डरो और आप अपने अच्छे तरफ सोचो, पूरे स्टैंडर्ड
अरे इधर अभी स्क्रीनिंग है ना मूवी की, देख लेना इधर जाना है। भोरी मूवी को हम बहुत बधाई देनी पड़ेगी इस प्रयास को, बहुत उन्नति मिले और जो एंटरटेनमेंट है उसको बहुत आप लोग का सपोर्ट मिले, जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना हमारे भाई का लाभ होगा और हिट होने चाहिए उसकी फिटिंग आपके पास अच्छे से फिटिंग करिए हिट होना। थैंक यू सो मच। राम भाई की विशेष बहुत है हमारे लिए और उनका आशीर्वाद ही से हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एड्स के अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है एड्स को लेकर के, हालांकि दूसरे वायरस से भी हाईलाइटेड हो गए जैसे कोरोना, लेकिन एड्स वायरस बहुत टाइम से है और लोग जिंदगियाँ ले चुका है, तो मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म बनाई गई है और मैं स्क्रीनिंग में आया हूँ लाइक टू सी दिस एंड आई एम श्योर मतलब डेफिनेटली अच्छी फिल्म तो है। यही चाहूँगा कि नीयत है वो साफ है, जानता हूँ और उससे पब्लिक तक की बात पहुँचे और जाते हुए जाकिर भाई की शख्सियत तो कौन नहीं जानता है, इज ए वेल नोन एक्टर और बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ की है, इनका यहाँ पर आना ही हमारे लिए आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच।